तो गाइस आज हमारे पास है ये कार का एम्पलीफायर जो कि सोनी कंपनी का है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी एम्पलीफायर की आपको टोटल पूरी वायरिंग बताने वाले हैं और इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ, सोनी DSX-A100U इसका मॉडल नंबर है। तो दोस्तों आज की इस पूरी वीडियो में इसकी फुल वायरिंग आपको डिटेल में बताएंगे। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस इस एम्पलीफायर के बैक साइड में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर इसकी सॉकेट लगती है एंड दोस्तों यहाँ पर एक 10 एम्पियर का फ्यूज भी लगा हुआ है जो कि अभी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इसको फिर से वहीं पर लगा देते हैं अच्छे तरीके से। और इसको चलाने के लिए हमको चाहिए इसकी वायरिंग सॉकेट, जो कि आप देख सकते हो मेरे पास ये इसकी वायरिंग सॉकेट है। तो गाइस इसी से हम इसको चलाने वाले हैं, जो कि इसमें तरह तरह के बहुत तरह के वायर हैं। तो आपको मैं एक बार फोकस करके दिखा दूं, ये कुछ इस तरीके की होती है और इसकी टोटल 18 पिन होती है। तो चलिए गाइस इसको जल्दी से हम अपने एम्पलीफायर में कनेक्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा और कैसे कैसे इसके कनेक्शन आपको भी करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाना है। जो एक उठा हुआ साइड है दोस्तों वो फ्यूज के ऊपर लगेगा, जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से लगा लेना है। तो चलिए इसको जल्दी से इसमें कनेक्ट कर देते हैं और आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से इसमें कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके कौन से वायर कहाँ पे लगेंगे। तो गाइस आप यहाँ पर ये दो वायर देख रहे हो, रेड और येलो। गाइस ये है इसकी प्लस वाला पावर सप्लाई के लिए एंड गाइस इसके नीचे जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पर इसका माइनस का वायर है। दोस्तों रेड और येलो को आपको जॉइंट करके लगाना है, वो प्लस बनेगा। और दोस्तों इसके वायर कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हो, जो कि मैंने दो दो करके निकाल दिए हैं। दोस्तों लेफ्ट साइड के जो चार पेयर मैंने बनाए हैं वो स्पीकर के हैं एंड राइट में आपको मैंने बता ही दिया है। तो अभी आपको इसको डायग्राम पे भी बना के समझा देता हूँ, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक डायग्राम पहले से ही बना के रखा है, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर एकदम ध्यान से सीखना है, जैसे जैसे मैं बताऊँगा आपको एकदम से अच्छे से वायरिंग इसकी सीखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर एम्पलीफायर की लेफ्ट साइड के जो वायर हैं, आप देख सकते हो ऊपर के फर्स्ट एंड सेकेंड दोस्तों वो पहले स्पीकर के हो गए हमारे। और इसमें दोस्तों स्पीकर का एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, क्योंकि हमारे ये दोनों वायर हमारे स्पीकर पर लग जाएंगे। एंड दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ नंबर की जो पिन है हमारे सेकेंड स्पीकर के हैं एंड इसमें भी दोस्तों माइनस प्लस होता है। इसी तरीके से इसमें माइनस प्लस के वायर स्पीकर के होते हैं और सेम इसी तरीके से नीचे की जो फर्स्ट पिन एंड सेकंड पिन है वो हमारे थर्ड स्पीकर के हो जाएंगे एंड इसमें भी माइनस प्लस स्पीकर के दो वायर होंगे। एंड दोस्तों नीचे की थर्ड एंड फोर्थ पिन है वो हमारे स्पीकर फोर नंबर के हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों इसमें चार स्पीकर का जो है आउटपुट आपको मिलता है। एंड दोस्तों इसके जो ये ऊपर के सेकंड वाले स्पीकर के जो बाद में वायर आता है वो दोस्तों आपके एंटीना का होता है, जिससे कि आपका FM चलता है। और जो लास्ट जो तीन वायर आपके बचे हुए हैं इनसे आपका दोस्तों कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर राइट साइड में आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के जो दो पिन है, एक मिनट मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इसकी सॉकेट में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसमें ऊपर के पिन के दो वायर आपको जो नज़र आ रहे हैं येलो एंड रेड, दोस्तों इन दोनों को हमको शॉर्ट करना है जब इसकी प्लस वाली पावर सप्लाई बनेगी। तो गाइस ऊपर आप देख सकते हो ये वाला येलो वायर एंड रेड वायर, इन दोनों को आपको शॉर्ट कर देना है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इन वायर को शॉर्ट करना है। एंड दोस्तों ये इसकी पॉजिटिव वाली सप्लाई के लिए जो दो वायर है वो शॉर्ट करके आपको मिल जाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा प्लस सप्लाई का वायर हो गया है। और इसी तरीके से नीचे का जो ब्लैक वायर है वो हमारी माइनस सप्लाई के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी लास्ट की नीचे वाली पिन ये माइनस सप्लाई के लिए हो जाएगी। और यार आपको इस एम्पलीफायर से एक अच्छा आउटपुट लेना है तो आपको इसमें 12 वोल्ट 10 एम्पियर की जो है सप्लाई देनी पड़ेगी, जिससे इसका आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, आपके बिल्कुल भी आवाज़ फटेगी नहीं। तो ये थी इसकी
टोटल वायरिंग। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितना अच्छे तरीके से वर्क करता है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हम इसकी सॉकेट को उसी में लगा देंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने इसकी सॉकेट को लगा दिया है। और इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए मैंने लिया है 12 वोल्ट 8 एम्पियर का एक ट्रांसफॉर्मर, जो कि इसके 220 वोल्ट के वायर ये वाले हैं। एंड दोस्तों इसके आउटपुट का आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है जिससे कि एसी का करंट डीसी में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो इसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, आप इसको बनाना सीख जाओगे। तो ये है हमारे पास सप्लाई के दो मेन वायर, एक रेड एंड एक ब्लैक, जो कि रेड वाला हमारा पॉजिटिव है एंड ब्लैक वाला हमारा माइनस का है। और आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक सोनी का ही स्पीकर है जो कि हम इस एम्पलीफायर में लगा के इसको चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसका मॉडल वगैरह देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ये स्पीकर है। तो गाइस चलिए आइए इसको जल्दी से कनेक्ट करते हैं एंड आपको इसको चला के दिखाते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। और इस एम्पलीफायर में हम पेन ड्राइव या ऑक्स केबल लगा के इसमें कोई भी गाने को सुन सकते हैं। तो गाइस चलिए इसमें अभी हम पेन ड्राइव लगाने वाले हैं। वैसे हम इसमें ब्लूटूथ भी अलग से लगा सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने स्पीकर में वायर इसके कनेक्ट कर दिए हैं। और दोस्तों एम्पलीफायर में ये वाले वायर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हो ऑरेंज वाले वायर में इसके स्पीकर के वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। और यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस यहाँ पर चलिए मैं इसकी पावर को ऑन कर देता हूँ और आप देख सकते हो हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। गाइस यहाँ पर मुझे नहीं पता है आपको इसकी आवाज़ सुनाई दी है या नहीं। दोस्तों अगर इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है तो मैं इसकी आवाज़ को म्यूट कर दूंगा। वैसे दोस्तों इस स्पीकर ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय।